हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम ए इंग्लिश गाइड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बर्टोल्ट ब्रेक्ट का ऑन एपिक थिएटर। सो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं हमारे राइटर बर्टोल्ट ब्रेक्ट के बारे में। इनका पूरा नाम था यूजिन बर्तोल्ट फ्राइडरिक ब्रेक्ट। इनकी बर्थ डेट है 10 फरवरी 1898 एंड डेथ डेट इज 14 अगस्त 1956। He was a German theater practitioner, playwright and poet. इन्होंने अराउंड 50 प्लेस लिखे एंड मेड अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू थिएटर। अब बात करें एपिक थिएटर की, तो ये एक रिएक्शन था 19th century के मेलोड्रामा के अगेंस्ट। ब्रेक्ट मेलोड्रामा पर इसलिए एग्री नहीं करते थे क्योंकि इससे ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मेलोड्रामा की बात करें तो ये ड्रामेटिक वर्क है जिसका प्लॉट स्ट्रांगली अपील करता है इमोशंस को। हमारे इंडियन सीरियल्स का रोना धोना इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेलोड्रामा। ब्रेक्ट बिलीव करते थे कि थिएटर को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, थिएटर को ऐसा होना चाहिए जिससे कि सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज आए सोसाइटी में। ब्रेक्ट चाहते थे कि थिएटर का एम होना चाहिए ऑडियंस को फोर्स करना सोचने पर एंड जज करने पर, रेदर देन कैरेक्टर्स के साथ सिंपथी लाने में। बर्टोल्ट इस बात को प्रायोरिटी देते थे कि प्ले के एंड में ऑडियंस कुछ सीखकर बाहर निकले, ना कि टाइम पास करके। इस तरह की एजुकेशन से वो सोसाइटी में एंड स्पेशली पॉलिटिकली पब्लिक का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते थे। यही रीज़न था कि नाजीज़ को ब्रेक्ट की ये सोच ज़्यादा पसंद नहीं आई, और जब 1933 में वो पावर में आए तो ब्रेक्ट को अपनी कंट्री ही छोड़नी पड़ी, और इसके बाद वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में रहे कुछ टाइम तक, और कुछ टाइम तक यूएस में रहे। 1949 में वो जर्मनी वापस आए और ईस्ट बर्लिन में अपनी ड्रामा कंपनी बर्लिनर और बर्लाइनर एंसेंबल स्टार्ट करी, जो कि अभी तक एग्जिस्ट करती है। इन सब हालातों के बीच भी उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया था। तो चलिए आते हैं हमारे एग्ज़ाम के टॉपिक पर। तो जैसा कि हमने पहले बात करी कि ब्रेक्ट थिएटर का एम ओनली एंटरटेनमेंट नहीं मानते थे, वो चाहते थे कि ऑडियंस प्ले को जज करे, ना कि उसकी स्टोरी में खो जाए। यही एपिक थिएटर है जिसमें ऑडियंस और प्ले के बीच जो इमेजिनरी वॉल होती है, आप सामने स्लाइड पर देख रहे होंगे कि एक फोर्थ वॉल होती है ऑडियंस एंड प्ले के बीच। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई मेलोड्रामा मूवी देखते हैं तो क्रिटिकल होने के बजाय हम इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम कोई क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो हमारी फेवरेट टीम जब हार रही होती है, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो हम ओपिनियन देने लगते हैं कि अभी ऐसा होना चाहिए था, अभी इसने ऐसा करना चाहिए था। तो इस तरह से हम ओपिनियन देने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है। हम सिचुएशन को एक्सेप्ट ना करके जज कर रहे होते हैं और ओपिनियन भी देते हैं कि ये सही किया और ये गलत। बस यही बात ब्रेक्ट करते हैं, जैसे कि दिखाया जा रहा है या जैसा हो रहा है उसे एक्सेप्ट ना करके अपने दिमाग से जज करना कि ये सही दिखाया है और ये गलत। मीन्स ओपिनियन क्रिएट करना प्ले को देखते वक्त और ध्यान में रखना कि ये एक प्ले ही तो है। और अब डायरेक्टली तो अनाउंस किया भी नहीं जा सकता ऑडियंस को कि आप लोग जो प्ले देखने आए हैं उसे जज करना। तो होता ये है कि प्ले के बीच में ही कोई कैरेक्टर ऑडियंस से बात करता है या कोई भी ऐसा मेथड जिसे एकदम से ऑडियंस कॉन्शियस हो जाती है, इसे ही ब्रेकिंग ऑफ द फोर्थ वॉल कहते हैं। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इस फोर्थ वॉल को ब्रेक करने के लिए उन्होंने एलिनेशन इफेक्ट इवॉल्व किया। एलिनेशन वर्ड का मीनिंग होता है सेपरेशन। इसमें ब्रेक्ट ने यही बताया कि प्ले को इस तरह परफॉर्म किया जाए कि ऑडियंस खुद ब खुद एलिनेट फील करें और प्ले को सिर्फ प्ले की तरह ही देखे और उसमें इमोशनली खोए नहीं। उसके बाद ब्रेक्ट ने इवॉल्व किया वर्फ्रेमंगस इफेक्ट। ये जर्मन वर्ड है। वर्फ्रेमंगस का मीनिंग होता है डिस्टेंसिंग। इसे शॉर्ट में वी इफेक्ट भी कहते हैं और एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट भी इसे कहा जाता है। वैसे तो एलिनेशन इफेक्ट वी इफेक्ट से डिफरेंट है क्योंकि इसमें और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, बट फिर भी कई बार इसे सेम ही मान लिया जाता है। तो अब हम जान चुके हैं एपिक थिएटर, इमेजिनरी और फोर्थ वॉल, ब्रेकिंग ऑफ द फोर्थ वॉल, एलिनेशन इफेक्ट एंड वी इफेक्ट। अब जानते हैं कि वी इफेक्ट को कैसे अचीव कर सकते हैं। नरेशन, जब कोई कैरेक्टर अपने कैरेक्टर से बाहर आकर आगे क्या होने वाला है इसके बारे में
ऑडियंस से बात करता है तो इसे नरेशन कहते हैं। सेकंड, कमिंग आउट ऑफ द रोल, जब एक कैरेक्टर अपने ही कैरेक्टर पर कमेंट करता है ऑडियंस से बात करते हुए। थर्ड, स्पीकिंग द स्टेज डायरेक्शंस, मीन्स अगर प्ले के टाइम अगर कोई स्टेज के लिए डायरेक्शंस देता है, वैसे तो ये रिहर्सल काइंड ऑफ थिंग है, इससे ऑडियंस नहीं एक्टर्स भी एलिनेट हो जाते हैं। डायरेक्ट एड्रेस, स्पीकिंग डायरेक्टली टू द ऑडियंस, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। यूजिंग प्लेकार्ड्स, बैनर्स, प्लेकार्ड्स, साइंस और आजकल तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी यूज होता है, और इसका यूज कैरेक्टर्स ही करते हैं जब प्ले हो रहा होता है। इससे प्ले के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को दी जाती है। कई बार इन्हीं प्लेकार्ड्स का यूज आगे क्या होने वाला है इसे बताने के लिए भी किया जाता है। सिक्स्थ है मल्टी रोलिंग, जब एक ही एक्टर से एक से ज्यादा रोल प्ले करवाए जाते हैं तो उसे मल्टी रोलिंग कहते हैं। बस कॉस्ट्यूम और डायलॉग से पता लगता है कि अब ये एक्टर कोई दूसरा कैरेक्टर है, इससे भी वी इफेक्ट क्रिएट होता है। सेवन्थ है स्प्लिट रोल, जब एक से ज्यादा एक्टर्स एक कैरेक्टर को बारी बारी से प्ले करते हैं, जैसे अभी हमने बात करी कि कॉस्ट्यूम से पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के रोल का साइंस स्टेथोस्कोप प्रेजेंट कर दिया जाता है, तो कोई भी एक्टर जब स्टेथोस्कोप यूज करता है तो उसे डॉक्टर मान लिया जाता है। यहाँ फेस को कैरेक्टर की आइडेंटिटी ना बना करके प्रॉप को आइडेंटिटी बनाया जाता है वी इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। मिनिमल सेट, प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम, शॉर्ट में कहूँ तो इसके दो फायदे हैं, प्रोडक्शन का खर्चा भी नहीं होता क्योंकि बहुत कम प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम यूज किए जाते हैं, और इसी वजह से एक एम्बियंस या फिर माहौल नहीं बनता है एक एग्जैक्ट सिचुएशन का, तो जिससे ऑडियंस खुद को इमोशनली अटैच नहीं कर पाती है प्ले के साथ। नाइन्थ है सिंबॉलिक प्रॉप्स, किसी पर्टिकुलर प्रॉप को या कॉस्ट्यूम को कैरेक्टर से जोड़ देना। फॉर एग्जांपल, अभी हमने स्टेथोस्कोप की बात की थी, जब भी कोई कैरेक्टर ये कैरी करता है तो वो डॉक्टर है, दैट्स इट, सिंबॉलिक प्रॉप्स। टेंथ है लाइटनिंग, टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द प्ले हार्श लाइट, हार्श व्हाइट लाइट का यूज करना भी वी इफेक्ट में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है सॉन्ग एंड डांस, इससे तो आप फेमिलियर होंगे बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, बट ब्रेक्ट इस तरह से यूज नहीं करते सॉन्ग एंड डांस को। सॉन्ग एंड डांस को इस तरह से परफॉर्म किया जाता है कि वो प्ले में चल रही टेंशन से ऑडियंस को डाइवर्ट कर देते हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि इट्स अ प्ले। अब बात करते हैं जस्टिस की, तो जेस्चर्स से मतलब है एक कैरेक्टर को उसके मूवमेंट्स और जेस्चर्स से आइडेंटिफाई करवाना, कि कोई भी एक्टर जब वो मूवमेंट या जेस्चर्स परफॉर्म करते हैं तो ऑडियंस समझ जाए कि कौन से कैरेक्टर की बात हो रही है। तो ये था बर्टोल्ट ब्रेक्ट का ऑन एपिक थिएटर। आपको समझ आ गया होगा कि एपिक थिएटर वॉज जस्ट अ मूवमेंट जो मेलोड्रामा के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था, और इसके बाद इन जो ऑडियंस को एलिनेट करने के लिए, एक डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए ऑडियंस और ड्रामा के बीच में, तो वी इफेक्ट या फिर एलिनेशन इफेक्ट या एस्ट्रेंजमेंट, ये सब स्टार्ट हुआ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी टॉपिक है और शॉर्ट भी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप विकिपीडिया पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके सामने हैं MGSU के प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक पर पूछे हुए क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।